क्रूरता की हदें पार करते हुए एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवती के पति प्रदीप अहिरवार ने आपसी विवाद के चलते आपा खो दिया और अपनी पत्नी पर कातिलाना हमले करते हुए धारदार चाकू से अपनी ही पत्नी के नाक और कान काटकर सनसनी फैला दी। आरोपी ने मारपीट करते हुए महिला को गंभीर चोटें पहुंचाई। घायल महिला को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। महिला का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर बीएल टैगोर ने पीड़िता की हालत नाजुक होना बताई है। पीड़िता को नाक और कान काटे जाने से खून अधिक निकल जाने से वो गंभीर है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार अस्पताल की डॉक्टर टीम द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल में उपस्थित लोगों ने पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ को इस घटना के संबंध में बताया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बताया कि उसका विवाह जून माह साल 2023 में हुआ था। उसके माता पिता ग्राम जसनखेड़ी थाना बहादुरपुर क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपी पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता रहता था। सर झगड़ा हुआ है सर, खाना खा रही थी मैं तो खाना खाते में मेरा मुंह बांध दिया। किसने? सर मेरे पति ने मेरे हाथ पैर तोड़ दे। अच्छा। सुन, बाजार से जाके नया चाकू ला के मेरी नाक काट दी, पीछे हाथ बांध के। किस बात को लेके उनने तुम्हारे साथ ये मारपीट की है? सर पता नहीं है, ये बात का पता नहीं है मुझे। पहले भी कभी मारपीट करते थे क्या? हाँ। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।